माननीय विवेक तन्खा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और आज के इस पूरे आयोजन पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। सम्मानीय सिंधिया जी, सम्मानीय संजय जी, सम्मानीय श्रीमती ईला जी, सम्मानीय बेरी आंटी, सभी सम्मानीय अतिथिगण, हमारे शहर के आज मैं इतने सारे वो चेहरे देख रहे हैं जो नॉर्मली कभी हम लोग को दिखते नहीं थे। आज सबका बहुत स्वागत है, हमारी महिलाओं का स्वागत है, हमारे बच्चों का स्वागत है, हमारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। और स्वागत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जबलपुर संस्कारों का शहर है और संस्कार जबलपुर की सोच थी। धीरे धीरे जबलपुर इसको खोता चला गया, कुछ दिन बाद हमको गुंडों का शहर कहने लगे लोग। मैं वो टैग नहीं चाहता गुंडों का, मैं टैग चाहता हूं संस्कारों का शहर। और इसके लिए आज हम लोग ने एक छोटा सा प्रयास की शुरुआत की है। 50% देश की महिलाएं हैं, मगर आपको भागीदारी तो 5% की मिलती है या 10% की मिलती है। सिंधिया जी, हम लोगों को महिलाओं की भागीदारी हर स्तर पे बढ़ानी पड़ेगी, चाहे हमारी पार्टी के स्तर हो, चाहे सरकार का स्तर हो, चाहे नौकरी का स्तर हो। हम 5 और 10% से संतुष्ट नहीं होंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है हमारी पार्टी का कि 33% आरक्षण महिला का होगा, कहाँ होता है। तो मैं चाहता हूं, देखिए एक बहुत छोटी बात है, सिक्योरिटी कहीं ना कहीं सशक्तिकरण से कनेक्टेड होता है, एम्पावरमेंट से कनेक्टेड होता है। आप अपनी महिलाओं को एम्पावर करिए, सिक्योरिटी विल फॉलो। हमारी महिलाओं को आप ताकत तो दीजिए, उनको शक्ति तो दीजिए, अदर थिंग्स विल फॉलो। मुझे पता, मेरी बेटी, मैंने एक बल्कि लेख लिखा है, वो कुछ दिन में छपेगा। मेरी माँ बहुत खुश थी कि वो मेरे पिता की परछाई बन के चलती थी, कभी क्वेश्चन नहीं करती थी पिताजी को। मेरी वाइफ घर चलाती है, मेरी बल्कि हिम्मत ही नहीं होती उनसे बहुत कुछ बोलने की, जैसा वो चाहती हैं वैसे ही हमको करना पड़ता है, सिंधिया जी उसके साक्षी हैं। बट मेरी बेटी, जो सिंधिया जी भी परिचित हैं, शी डिसाइड्स कि वो कहाँ पढ़ेंगी, कहाँ काम करेंगी, किस कंपनी में काम करेंगी, किस देश में काम करेंगी। और जब मैं उसको बोलता हूँ, वसुंधरा वापस क्यों नहीं आती तुम इंडिया, तो कहती, पापा आप मुझे क्या इंडिया में एनवायरनमेंट दे सकते हैं, वर्क एनवायरनमेंट? आप क्या मुझे, मैं आज महिला हूँ, व्हेन आई वर्क इन US मुझे एक महिला जैसे ट्रीट नहीं किया जाता है, मुझे एज अ कोलीग ट्रीट किया जाता है। हमको ये मन में लोगों के लाना है कि ये महिला नहीं है, ये हमारी साथी हैं, ये हमारी भागीदार हैं इस समाज की। कहा जाता है, बड़े कैजुअली बोला जाता है, स्टैटिस्टिक्स आते हैं, इस प्रदेश में 4,000-5,000 रेप के केसेस रजिस्टर हुए। अरे एक एक केस खराब है, आप मतलब बोलने की हिम्मत कैसे हो रही है कि 5,000 रेप होते हैं? अरे 5,000 रेप में तो शासन को चले जाना चाहिए, कोई पार्टी हो, इट डजेंट मैटर। अगर इसका मतलब यह है कि आपकी पुलिसिंग, आपका सोशल एनवायरनमेंट आप क्रिएट ही नहीं कर पाए हो, जब आप 50% लोगों के लिए कोई एनवायरनमेंट ही क्रिएट नहीं कर पाए हो, तो आपको रहने का क्या हक? आपको आपको किस मुंह से आप बोल रहे हो उस 50% लोगों को कि हम एक अच्छे सरकार थी? मैं तो जब कल फगेट महिला है, जो परसों का इंसिडेंट है जबलपुर का जो वायरल हुआ, एक व्यक्ति बेसबॉल बैट से तीन लोगों को, उसमें दो दो ट्राइबल्स हैं, गोंड हैं, उनको बेस बैट बॉल से मार रहा है।
पूरे कपड़े उतार के, और सब लोग देख रहे हैं, और पुलिस ने आज तक कुछ एक्शन नहीं लिया। क्या हम ये व्यवस्था चाहते हैं? ये हमारा शासन है? सिंधिया जी, मैं पॉलिटिक्स में आया जरूर हूं, बट मैं पॉलिटिक्स में आया हूं आपके साथ जैसे लोगों के साथ मिलकर व्यवस्था को बदलने। मुझे ना तो पॉलिटिक्स का बहुत शौक है, ना बहुत ज्यादा फिक्र है। अगर हमको व्यवस्था बदलनी है तो हमको निस्वार्थ भी होना पड़ेगा। हम लोगों को कोई पद पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, हम तो चाहते हैं व्यवस्था बदले, देश में उन्नति आए। हमारा जो महिला वर्ग है, जो बच्चों की शिक्षा, ये लड़कियां देखिए कितनी टैलेंटेड लड़कियां जबलपुर की, स्टार प्लस में इन द लास्ट 20 हमारे पास आज वो शूटर, वो जो वर्ल्ड ओलंपिक्स में जो गई थी लड़कियां, वो भी आशियान आई हुई हैं, वो जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है। इन बच्चों का भविष्य तो देखें। मैं जिस कॉलेज में जाता हूँ, मेरे को बहुत कॉलेज में इन्वाइट किया जाता है, बहुत यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, अब तो मैं देखता हूँ कॉम्पिटिशन में जो 60% एडमिशन होते हैं वो लड़कियों के होते, लड़के तो पीछे हैं लड़कियों के। मगर अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हम इन लड़कियों को, क्योंकि हमारा अभी भी कंजर्वेटिव आउटलुक होता है, पेरेंट्स इन बच्चों को बाहर नहीं जाने देते हैं। बहुत दफ़े जब जबलपुर में पढ़ लिख लेती हैं, इनके पास जॉब नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कोई जॉब्स ही नहीं है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मेरे प्रयास से और मेरे माध्यम से जो कंपनी आएगी और जो 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 इंस्टीट्यूशंस आएंगे उसमें 50% महिला रहेंगी। मैंने कल ही पेटीएम के फिगर्स देखे, उन्होंने जो भी रिक्रूटमेंट किए और अभी कर चुके जो जितने किए हैं उसमें 50% आर गर्ल्स, और यही रेशियो हम रखेंगे, क्योंकि हमारी लड़कियों को मौका मिलना चाहिए काम करने का। मुझे पता है कि अगर ये स्टेट कुछ करना चाहती है, वी मस्ट हैव जीरो टॉलरेंस। एसपीज और कलेक्टर्स की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि अगर कोई इंसिडेंट हो तो उस पर 10 मिनट के अंदर एक्शन स्टार्ट होना चाहिए, 3 दिन तक नहीं रुक सकते। और सिंधिया जी, जब मध्य प्रदेश में सरकार आएगी, मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि एसपीज और कलेक्टर्स जो 10 मिनट के अंदर रिएक्ट नहीं करेंगे उनको हटाया जाएगा। महिला अपराधों को अपन को फास्ट ट्रैक में लाना पड़ेगा, खाली इट्स नॉट जस्ट रेप, क्योंकि जब तक डर नहीं रहेगा तो क्या फायदा, किसको, अपराधियों को क्या फर्क पड़ता है? हमको अपराधियों को डरा के रखना है, महिला क्यों डरेंगी, अपराधी डरने चाहिए, हमको वैसा सिस्टम चाहिए। फैमिली कोर्ट्स में हम देखते हैं आप लोगों के केसेस चलते हैं, कई दफे दुखद होता है, फैमिलीज टूटती हैं, केसेस जाते हैं, सालों तक लोग भटक रहे हैं। ऑफकोर्स ऑल दिस सिस्टम मस्ट चेंज, दैट इज वॉट आई एम सेइंग। कई हम लोगों को जुडिशियल सिस्टम भी अपने चेंज करने पड़ेंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे, देखिए ज्योतिरादित्य जी, जबलपुर जो है अब खिलाड़ियों का शहर था, अब धीरे धीरे क्योंकि सुविधाएं सब इंदौर चली गई, कुछ आप ग्वालियर ने आपने बढ़ा दी, हमको मौका नहीं दिया। तो आगे आपसे मैं आज पब्लिकली और महिलाओं के सामने आश्वासन ले रहा हूं, जो कि यहां के लिए संदर्भ नहीं है, कि एक बड़ा अच्छा क्रिकेट स्टेडियम जबलपुर में बनना चाहिए, जो आप बना सकते हैं। आप क्रिकेट के भविष्य भी हैं इस देश के, इसलिए बनना चाहिए कि हमारे शहर में जब अच्छी गतिविधियां होंगी तो लोग आएंगे जाएंगे, एक 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 माहौल बनता है स्पोर्ट्स का। और इवन हम आपके थ्रू एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाना चाहेंगे इस वक्त, जो मैनिफेस्टो में डालना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स के ग्राउंड हर कस्बे, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुका में होने चाहिए, जहां लोग खेल सकें। तो ये सब बातों के साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि सिंधिया जी को जाना है, उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हम एक घंटा पीछे चल रहे हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सब आए, आज इतने सारे परिचित लोग यहां आके बैठे हैं, और आप लोग के आने से हमारे कार्यक्रम की शान बढ़ी है। बट मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं, मेरे रहते हुए और सिंधिया जी हैं मेरे साथ, तो आप लोगों की जो कठिनाइयां होंगी, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ अ मैक्रो लेवल, पॉलिसी लेवल की,
हम लोग आप लोगों की हर पॉलिसी को पुश करेंगे, क्योंकि जब तक महिला सम्मान के बारे में हम क्रियान्वित नहीं करेंगे उस सम्मान को, तब तक ये सब जो मीटिंग्स हैं और कॉन्क्लेव्स हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कहता हूं और सिंधिया जी को भी धन्यवाद देता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं कि वो लोग सब मेरे कहने से आए। थैंक यू।